हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब मस्त होंगे। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। और गाइस, स्क्रीन में देख पा रहे हो, आज मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कुछ इस टाइप का फ़ोटो एडिटिंग। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसा फ़ोटो एडिटिंग करना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आपको फुल वॉच करना होगा, तो आप भी ऐसा फ़ोटो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यार, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और जो पास में घंटे ना उसको ऑल में कर लेना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पास पहुंचता रहे। तो कर लेते हैं यार वीडियो स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो को आप एडिट करना चाहते हैं उस फोटो को आपको सीधा लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर कर लेना होगा। तो यहाँ पर फाइनली मैंने ऑलरेडी लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर फोटो को शेयर कर रखा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा दोस्तों। एक आपको इस टाइप का प्रीसेट मिल जाएगा, ठीक है? तो ये ग्रीन प्रीसेट है, ये कहाँ से आपको डाउनलोड करना है तो इस वीडियो में आज आपको मैं सब कुछ बताऊँगा। तो ऊपर जाना थ्री डॉट में, और आपको यहाँ पर कॉपी सेटिंग में क्लिक कर लेना है। कॉपी सेटिंग में क्लिक करने के बाद पहले यहाँ से कर देना राइट में क्लिक। राइट में आप जैसे क्लिक करोगे कॉपी सेटिंग हो जाएगी। होने के बाद थ्री डॉट में क्लिक कर लेना है, और थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद हमारा जो रियल फोटो रहेगा ना उसको सिलेक्ट कर लेना होगा। देखते हो, इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर से आपको जाना है थ्री डॉट में। थ्री डॉट में यहाँ पे थ्री डॉट में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से कर देना है। थ्री डॉट में जाने के बाद आपको ऐसे पेस्ट सेटिंग में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप जैसे पेस्ट सेटिंग में क्लिक करोगे तो थोड़ी देर वेट करना, और हमारा फोटो में कुछ ही टाइप का रिजल्ट बन के तैयार आ जाएगा। देखते हो, बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है? तो गाइस, इतना हो जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, स्क्रॉल करके इधर आ जाना है, लाइट में जाना है आपको। लाइट में जाने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है, और आपको नीचे की तरफ आपको देखने मिलेगा ब्लैक से। ब्लैक के ऊपर व्हाइट है, तो व्हाइट को यहाँ से हल्का सा बढ़ा लेना है। इसको आप जैसे बढ़ाओगे तो पेज में चमक आ जाएगा, तो इसको बेहतर कर देना, और यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको बिफोर एंड आफ्टर इस फोटो को ऊपर शेयर वाले आइकन में क्लिक कर देना है। शेयर टू में क्लिक करने के बाद फोटो को आपको शेयर करना होगा स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। तो फाइनली गाइस, हमारा फोटो आज का स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर। इसके अंदर आ जाने के बाद आपको टूल्स में क्लिक कर देना है। टूल्स में क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्टिव वाले टूल्स में जाना है। इसमें जाने के बाद जहाँ जहाँ ब्लैक फोटो रहेगा इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ब्लैक, और इसको बढ़ा कर लेना, ब्राइनेस को ऐसे बढ़ा लेना है। यहाँ से देखते हो ब्राइनेस को जैसे बढ़ाया गोरा हो गया, ठीक है? तो ऐसे आप ब्राइनेस को बढ़ा लेना है, फिर कंट्रास्ट में कंट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा लेना है। यहाँ से देखते हो ऐसे बढ़ा लेना है, ठीक है? फिर नीचे प्लस में क्लिक कर देना है, और जहाँ जहाँ ब्लैक रहेगा इसको सेलेक्ट कर लेना है, ब्राइनेस को ऐसे बढ़ा लेना है, कंट्रास्ट को ऐसे। इस तरह होने के बाद दोस्तों कर देना फाइल आपको राइट में क्लिक। तो यहाँ पर आप रिजल्ट देख ही सकते हो कैसा था, बिफोर एंड आफ्टर कैसा हो गया। तो अब इसका पेस्ट स्मूथ करेंगे गाइस। इसका पेस्ट स्मूथ करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, यहाँ से टूल्स में जाना है। टूल्स में जाने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना, और आपको लेंस ब्लर में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आप उसको छोटा कर लेना है, इसे छोटा कर लेना, उसको यहाँ रख लेना है, उसको हल्का सा बढ़ा लेना है, 41+ कर देना, और फाइनली कर देना है यहाँ से राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद ऊपर क्रॉप टियर में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको व्यू एडिट में क्लिक कर लेना होगा। इसमें क्लिक करने के बाद आपको लेंस ब्लर में जाना है। इसमें जाने के बाद आपको ब्रश ले लेना है। लेने के बाद एपिसीड को पूरा शोर लेना है, जूम कर लेना है ऐसे, और ऐसे ऐसे आप अपने पेस में ब्रश को चला लेना है। तो यहाँ पर देखते हो गाइस, मैं जैसे ब्रश को चला रहा हूँ जूम हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, जूम कर लेना और अच्छी तरीके से अपने पेस में ऐसे चला लेना होगा, ठीक है? तो मैं वीडियो को पास्ट कर लेता हूँ, और मैं ऐसे ऐसे ब्रश चला लेता हूँ, ठीक है? और एक बात का ध्यान रखना गाइस, जब भी आप नाक के पास और मुंह के पास में जब ब्रश चलाओगे ना, तो उसकी एपिसिटी को यहाँ से कम कर लेना, 70 या 75 कर लेना, ठीक है? इस बात का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे स्मूथ हो गया। स्मूथ हो जाने के बाद फाइनली कर देना यहाँ से राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद आपको ऊपर तीर वाला आइकन में क्लिक करके हम आ जाएंगे ऐसे बैक। बैक आने के बाद आपको टूल्स में जाना है, फिर से स्क्रॉल करना, और आपको यहाँ पर पोर्ट्रेट में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्मूथ टू सेलेक्ट कर लेना होगा। स्मूथ टू सेलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे बढ़ा लेना होगा, पूरा शो कर देना, और इसके नीचे स्किन इसको भी पूरा शो कर देना, और इसके नीचे इसको 50 रख देना, और फाइनली कर देना यहाँ से राइट में क्लिक। राइट में क्लिक करने के बाद गाइस आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, टूल्स में जाना है, और आपको सेलेक्टिव में क्लिक कर देना है, और जहाँ जहाँ फिर से ब्लैक रहेगा उसको सेलेक्ट कर लेना है, इसे
छोटा करना है, ऐसे ब्राइटनेस को बढ़ा लेना होगा, देख लियो ठीक है। और फिर से यहाँ से राइट में क्लिक कर देना होगा। तो फाइनली गाइस हमारा फोटो जो बनकर तैयार हो गया, बिफोर एंड आफ्टर कितना बेकार था और कितना मस्त रिजल्ट आ गया। तो इसको डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ऊपर शेयर वाले आइकन में आप जैसे क्लिक करोगे गैलरी में सेव हो जाएगा। तो सो गाइस आपको प्रीसेट कहाँ से डाउनलोड करना पड़ेगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ से अगर आप प्रीसेट को आसानी से डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए प्रीसेट डाउनलोड करने में तो कमेंट में जरूर बताना। तो मिलते हैं किसी कमाल की वीडियो में, जब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।